लड़कों और लड़कियों के लिए जो है वो कौन सा, ये टीन एज का ही होता है जिसके ऊपर बड़ा ज्यादा चेक रखना पड़ता है, या कहाँ तक जाता है ये मामला? टीन एज वाला ही टाइम होता है, यानी ये जो 7-8 ईयर्स से आगे ऑनवर्ड्स 15-16 तक का टाइम है, दिस इज़ वेरी क्रिटिकल टाइम जिसको आपको बहुत नज़र रखनी है, बहुत मॉनिटर करना है, मगर माँ बाप बन के नहीं, फॉर गॉड सेक। कल पता नहीं एक क्लाइंट आया क्लिनिक के ऊपर, तो आज तो उसने मुझे कहा कि ये बताएं कि आप हर वक्त अब मुझे ये कहें अच्छा ये ना करो वो ना करो, ये क्या कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों जा रहे हो वहाँ उसी क्यों मिल रहे हो, आप मुझे हर वक्त ये बातें कहते रहेंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, यानी मैं पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ तो आप मुझे कहते हैं अपना करियर फोकस करो, मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ आप मुझे कहते हैं अपना करियर फोकस करो, मैं फ्रेंड्स के साथ मीटअप्स की बात करता हूँ आप मुझे कहते हैं अपना, यानी व्हाट इज़ दिस, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी। तो हमें ये समझना है कि हमारे टीन्स जो हैं वो किसी और चीज़ पे भी बात कर सकते हैं, हम हर वक्त उनको नसीहतों का एक पंडोरा बॉक्स उनके सामने खोलने की बजाय वी नीड टू एम्पथाइज। अपना टाइम याद कीजिए ना, जब आप अपने बच्चे को नसीहत करने लगते हैं, उसको किसी चीज़ पे डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं, रोकने लगते हैं, अपना टाइम याद कीजिए उस टाइम क्या था। तो आपको याद आएगा कि जब आपको रोका जाता था तो हाउ डिड यू फील, आप रुक जाएंगे वो चीज़ करते हुए। आप जब आपका बच्चा किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ होता है और उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो अपना टाइम याद कीजिए। जब आप अपने प्रॉब्लम में फंसे होते तो आप उस वक्त क्या सोचते थे कि यार मुझे कैसे समझाया जाए, मुझसे कैसे बात की जाए, मुझे कैसे होल्ड किया जाए, आपका बच्चा भी वही फील कर रहा है। आप अपने टाइम को या अपने बच्चे की एज के ऊपर उसके साथ आ जाइए। आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं यू 35 साल का इंसान हूँ, 40 साल का इंसान हूँ, व्हाई डोंट यू बिहेव लाइक मी, हाउ ही कैन डू दैट। आपके उसकी एज में बहुत फर्क है। हम हमेशा तो मैं समझ क्यों नहीं आती भाई, वो 7-8 साल का बच्चा है, यू आर की उम्र पे जाओ ना, एग्जैक्टली यू आर अ मैन ऑफ लाइक 35-40 ईयर्स। उससे आप कह रहे हो तो मैं समझ क्यों नहीं आती, आपको समझ आती थी व्हेन यू वर 7। बिल्कुल सही। तो ये थोड़ा सा एम्पथाइज कीजिए, कभी उनको हर वक्त नसीहत करना जरूरी नहीं है, कभी उनको हक कर लेना काफी है। आई कैन अंडरस्टैंड मेरे बच्चे, हाँ ये होता है, मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए, ये बड़ा तकलीफ है, ये परेशानी का भी बायस। जब आप अपने बच्चे को इस तरह से हैंडल करने की कोशिश करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, तो आपका बच्चा यकीन जानिए कहीं और मदद के लिए नहीं जाता, इमोशनली डिप्राइव नहीं होता। यस, वो आपके साथ इमोशनली ज़्यादा, हम हर वक्त उसको एक जी कहते हैं तुमने एक शानदार किस्म का बच्चा बनना। इनफैक्ट तो मैं समझती ये हूँ कि माँ बाप जो है ना अपनी ख्वाहिशात अपने बच्चों से पूरी करवाना चाहते हैं, वट दे कुड नॉट डू फॉर देम सेल्व दे वॉन्ट दैट देयर चाइल्ड शुड डू दिस फॉर देम। वाई?